कोरोना इस समय पूरे जोरों पर चल रहा है। बहादुरगढ़ झज्जर जिले में हॉटस्पॉट बना हुआ है और बहादुरगढ़ में पूरे प्रदेश की तरह ही ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हॉस्पिटलों को उनकी ज़रूरत की ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इस वक्त मैं शहर के बड़े हॉस्पिटल जे हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, जहाँ पर महज 15 से 20 मिनट की ही ऑक्सीजन बची हुई है। अभी कुछ देर पहले ही जानकारी मिली है कि एसडीएम साहब से बात करने के बाद 10 ऑक्सीजन के भरे हुए सिलेंडर और आ रहे हैं। आप वास्तविक स्थिति देखिए, ये जो आपको सिलेंडर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सिलेंडर्स खाली हो चुके हैं। ये खाली सिलेंडर्स हैं। हॉस्पिटल में तकरीबन 55-57 के करीब पेशेंट्स हैं इस वक्त, और उन पेशेंट्स के लिए सिर्फ 2 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर है। ऐसे में कैसे उन पेशेंट्स की जान बचेगी, क्योंकि आज के दिन लगातार ऑक्सीजन के अभाव में पेशेंट्स की मौत हो रही है। आप ये देख सकते हैं ऑक्सीजन चैम्बर जो इनका है, जहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, यहाँ पर सिर्फ लाइन में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए हैं। ये सारे जो सिलेंडर आप देख रहे हो, ये सारे तमाम सिलेंडर इस वक्त खाली हैं। पेशेंट्स की जान खतरे में है। हालांकि अगर सरकार के झज्जर ज़िले के आंकड़ों की बात करें, तो आंकड़ों के लिहाज से इस वक्त झज्जर ज़िले में मौतों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन कल भी कोविड प्रोटोकॉल से 11 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है, और आज भी कई हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की जान खतरे में है। लगातार हॉस्पिटल डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड के हिसाब से नहीं मिल रही है ऑक्सीजन। कल प्रशासन ने बताया कि 5.5 मीट्रिक टन ही झज्जर ज़िले को अलोकेट की गई है, और उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया, और उस फार्मूले के आधार पर हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो तय की गई है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता देता हूँ। एडवेंटा हॉस्पिटल झज्जर के लिए 27 ऑक्सीजन सिलेंडर, ओस्कर के लिए एक भी नहीं, RS ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए 18, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज के लिए 64, शिवम हॉस्पिटल के लिए 38, संजय हॉस्पिटल के लिए 18, स्वास्तिक हॉस्पिटल के लिए 31, ब्रह्मशक्ति हॉस्पिटल के लिए 46, दिल्ली हॉस्पिटल के लिए 42, RJ के लिए 53 और JJ के लिए 71 इनकी डिमांड। इनको बताया गया था, पीछे SDM ने रेड भी मारी और बताया गया कि 250 के करीब सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं, जो गलत है। अब सीधे जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं उनसे बात करते हैं। दीपक जी, आप लोगों के ऊपर आरोप लगा कि आप लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा सिलेंडर है, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि गैस ही नहीं आप लोगों का। गैस ही नहीं, आपने खुद देखा कि आज की डेट में मेरे पास 15 से 20 मिनट की गैस रह गई है, और ये पोजीशन मेरे साथ पिछले 4 दिन से चल रही है। और कल शाम को तो एक बार पोजीशन आ गई थी कि मैं आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट हो गया था। फिर हमने एक एम्बुलेंस और एक ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया, और वहाँ से हम फटाफट 20 सिलेंडर लेके आए, तो मेरे मरीजों की जान बच गई। I am ऑन अ डबल स्वॉर्ड एवरी टाइम। मुझे नहीं पता कब क्या हो जाएगा। हमारे को प्रशासन ने बोल दिया, हम आपके लिए सिर्फ आज 80 सिलेंडर ही देंगे, और मेरी कंजम्पशन आज की डेट में घटाने के बाद, मैंने मरीज़ घटा दिए, लोगों को हाथ जोड़ के भेज दिया, कुछ एक्सपायर हो गए, नए मरीज़ हम एडमिट नहीं कर रहे हैं, तो मेरे मरीजों की संख्या 75 से घट के आज 51, 52, 53 पे आ गई है। और उससे कंजम्पशन जो थी, जो कंजम्पशन पहले 10 से 12 सिलेंडर एक घंटे के अंदर होती थी, उस कंजम्पशन को भी मैं लेके 6 से 7 सिलेंडर पे लेके आया हूँ। अगर हम 7 सिलेंडर की भी बात करते हैं, तो भी प्रशासन ने मेरे को आज जो अप्रूव किए हैं 80 सिलेंडर अप्रूव किए हैं, इससे ऊपर सिलेंडर मेरे पास नहीं है। प्रशासन की भी इसमें मैं बोलूँ कि कमी हो, तो वो भी ऐसा नहीं है कि मैं उनके ऊपर ब्लेम करना चाहता हूँ। प्रशासन का कहना यह है कि हरियाणा को से झज्जर डिस्ट्रिक्ट को पहले 5 क्यूबिक मेट्रिक टन प्रूव होती थी, डिमांड्स बढ़ के 7 क्यूबिक मेट्रिक टन पर चली गई, और उधर से सप्लाई घट के 3.5 मेट्रिक क्यूबिक टन पर आ गई। तो उनका कहना यह है कि हम मजबूर हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम इससे ज़्यादा आपको ऑक्सीजन नहीं दे सकते, आप मरीज़ों को रखना चाहें रखें, भेजना चाहें भेजें। हमने पिछले 5 दिन से जी जान लगा ली मरीज़ों के लिए कि आप कहीं चले जाओ, कहीं चले। मुझे सुनने में आया कि हमारे अटेंडेंट DC साहब से भी मिल के आए, DC साहब ने भी उनको अपनी पोजीशन बताई, हमने भी उनको कहा कि आप अपने मरीज़ को कहीं और ले जाओ, पर आज की जो स्थिति में किसी के पास अपने मरीज़ को ले जाने के लिए जगह नहीं है, वो लेके जाए तो लेके जाए कहाँ। हमने उनको कहा कि हमारी पोजीशन ये है कि मेरी ऑक्सीजन कभी भी ख़त्म हो सकती है, किसी भी टाइम बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, पर फिर भी वो कह रहे हैं कि हम लेके कहीं नहीं जा सकते, आप जैसे भी मैनेज करो। मैं दिन रात 24 घंटे पिछले 6 दिन से घर नहीं गया हूँ, सिर्फ यहाँ रुक के ऑक्सीजन मैनेज कर रहा हूँ। मैंने एक NGO मेरे आगे सपोर्ट करने आई, उसने मेरे को परसों 30 सिलेंडर हिसार से दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कल उसने मुझे 60 सिलेंडर बद्दी से दिए, आज वो मुझे 80 सिलेंडर दे रहा है और कल 100 सिलेंडर दे रहा है। ऐसा नहीं है, मैं फिर भी लोगों का धन्यवाद हूँ कि आज के टाइम पे भी इंसानियत जिंदा है, कि ऐसे लोग बढ़ के आगे आए जो कहते हैं हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अब भी मेरी गाड़ी लोड होएगी, गाड़ी आ रही है, वो सिलेंडर रोहिणी लेके जाएगी, रोहिणी से बद्दी जाएगी, कल 100 लेके आएगी, और वही गाड़ी रात को 80 सिलेंडर लेके आएगी। उनका मिला बड़ा सवाल ये है कि जब सोशल एक्टिविस्ट, सोशल NGO ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति कर सकते हैं, तो सरकार क्यों नहीं कर सकती? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसी पे हम हैरान हैं।
कि सोशल एक्टिविस्ट ने कहीं से भी अरेंज करके हमारे को 100 सिलेंडर रोज देने को फ्री ऑफ कॉस्ट मैनेज कर दिए, सरकार क्यों नहीं अरेंज कर पा रही? सरकार को पहले ये लगा कि मैं ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत ज़्यादा है। उन्होंने 3-4 दिन पहले SDM साहब को भी भेजा, वो भी आके चेक कर गए, ही फाइंड एवरीथिंग सफिशिएंट। ऑडिट हो गया मेरा, वो भी देख गए कि मेरे यहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने की वजह से, मेरे पास टीम होने की वजह से, मेरे पास इक्विपमेंट होने की वजह से, ICU होने की वजह से, मेरे पास जो मरीज यहाँ आता है वो सिवियर आता है। मेरे पास वो मरीज़ नहीं आता जिसको 2 लीटर 1 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत है। मेरे पास जो मरीज़ आता है जिसकी सैचुरेशन 50, 60, 70, 40 पे गिरी पड़ी है, जिसको इमीडिएट 30 लीटर 40 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, और ऐसे मरीजों को हमने बहुतों को ठीक करके भेजा। एक को भेजता हूँ, दो और वो भेजता है, दो को भेजे हैं, 3 और भेजता है। तो मेरे पास 90% मरीज 10 लीटर से ऊपर का ऑक्सीजन वाला है, और वो कैलकुलेशन अगर आप दूसरे एक नॉर्मल नर्सिंग होम के साथ करेंगे, 10 लीटर और 4-5 लीटर का आप फार्मूला समझ लीजिए। सामान्य मरीज होता है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसको 4-5 लीटर के हिसाब से चलती है, और जो 10 से 15 के हिसाब से आता है वो हाई फ्लो में जाता है, और ऑक्सीजन की खपत भी ज़्यादा होती है इस तरीके से। उसमें जाता है धनकर साहब, अगर हम बात करें ICU की, ICU में बाईपैप भी लगता है, वेंटिलेटर भी लगता है, हाई फ्लो भी लगता है। वो जो ऑक्सीजन जाती है वो 50 से 60 लीटर रुपये जाती है। तो देखिए कहाँ 3 लीटर 2 लीटर पर मिनट, कहाँ 50 लीटर पर मिनट। पर हम अब आज की डेट में इतने मजबूर हैं कि हम किसी पेशेंट को वेंटिलेटर बाईपैप तक नहीं लगा सकते। मेरे पास 5 वेंटिलेटर हैं, 10 बाईपैप हैं, 3 हाई फ्लो हैं, पर मैं मरीज़ को नहीं लगा पा रहा, क्योंकि उनको पीछे से बैकअप देने के लिए मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। मरीजों की क्या स्थिति है अभी, कितने मरीज हैं आपके पास? मेरे पास तकरीबन 53-54 मरीज हैं, जिसमें 12-13 ICU में रह गए हैं, जिनमें से 6-7 की हालत बहुत ख़राब है, और बाकी मरीज़ जो हैं वो रूम्स के अंदर हैं। हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है, मरीज और भी भर्ती किए जा सकते हैं? मेरे पास 25 बेड खाली हैं ऑक्सीजन के, पर मैं उनको ऑक्सीजन के लिए रोज कितने लोग आ रहे हैं? कम से कम 100 से 150 लोग एडमिशन के लिए आ रहे हैं, और 25 बेड की अरेंजमेंट यहाँ हो सकती है, 25 लोगों को जीवनदान यहाँ दिया जा सकता है, लेकिन रास्ते की रुकावट ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट इस वक्त प्रशासन बना हुआ है। हालांकि प्रशासन की भी मजबूरी बताई जा रही है, लेकिन काफ़ी लोग ये अटेंडेंट हैं यहाँ पर, इनको काफ़ी देर से प्रशासन ये कह रहा है कि जो हॉस्पिटल प्रशासन है ये कह रहा है कि आप अपने मरीजों को ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक ठाक हो सके और उनके मरीज की जान बच सके, क्योंकि हॉस्पिटल ने अपनी मजबूरी इन लोगों को बताया। क्या बताया आप लोगों को? सर मेरे फादर पिछले 8 दिन से एडमिट हैं, और उनको कंटिन्यूसली पहले 15 लीटर से 30 लीटर पर शिफ्ट किया गया है, अब वो घट के 7-8 लीटर आ गए हैं, तो कहाँ तक हम मैनेज करें? अब हॉस्पिटल के पास गैस नहीं है, हम अपने पर्सनल सिलेंडर भी लाएँ, और हम भी कब तक लेके आएंगे? कहाँ से रिफिल कराएं, कहाँ से नहीं, लंबी लंबी लाइनें हैं, कैसे बचाएंगे इस तरीके से? ये तो हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आप अपने पेशेंट को ले जाने के लिए तैयार हैं क्या? कहाँ लेके जाएंगे सर, यहाँ मरेंगे, बाहर भी मरेंगे? ऐसी स्थिति में पूरे भादुरगढ़ के अंदर भादुर से बाढ़ हमने चेक करा, हरियाणा चेक करने के बाद जब वो हमसे पूछते हैं आपका पेशेंट कहाँ है जीवन ज्योति में, सर हम तो खुद जीवन ज्योति में रेफर करते हैं सीवियर पेशेंट को, तो हम आपके पेशेंट को कैसे मैनेज कर लेंगे? इसके बाद कोई जवाब हमारे पास नहीं है, कोई जवाब उनके पास नहीं है। हमने पेशेंट को सिर्फ ये कहा कि भाई हम जब तक हिम्मत कर सकते हैं हॉस्पिटल साथ जुड़ के हम लेकर आएंगे, ढूंढ के कहीं से भी लाएं, चाहे कैसे भी लाएं, और यही चीज़ हॉस्पिटल वाले हमारे साथ कर रहे हैं, उन्होंने मैनेज करा। हमें बड़ा लगता है कि कहाँ कहाँ से आ रही है, हिमाचल से बद्दी कहाँ कहाँ से आ रही है, लेकिन अगर थोड़ी सी देर का जैसे गैप कल हमने महसूस करा इस चीज़ को कि वो 15 मिनट सांस ना मिलना कैसा होता है, और जिस मरीज को 1 मिनट ना मिले उसका क्या होगा, 15 मिनट मेरे जैसे आदमी को ना मिले तो शायद मैं ही चला जाऊंगा, उस मरीज का क्या हुआ होगा जिसको इन लोगों ने मैनेज करा, और वी वेरी थैंकफुल टू देम कि ये चीज़ हमारे साथ है। और मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस बात को एटलीस्ट इतना करें कि कोई अगर हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है तो उसके रास्ते में रुकावट। अपील हुक्मरानों से है, उन हुक्मरानों से जो कहते हैं कि हरियाणा में हालात ठीक हैं, लेकिन ये वो तस्वीर है जो बता रही कि हालात कितने ख़राब हो चुके हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। पिछले 7 दिन से हालात ख़राब हो रही है यहाँ पे, मतलब क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, आज यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी इंटेंशनली हो रही है क्या सर ये? आप लोग कहाँ से आए? सर मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली से आज बोल रहे हैं कि दिल्ली में बेड नहीं मिला, तब आप हरियाणा में बोल रहे हैं कि आप कहीं ले जाओ अपने पेशेंट को, कहाँ लेके जाएं सर? आज ले जाने की कहीं सिचुएशन है क्या? 37 साल का भांजा है मेरा, कहाँ छोड़ के जाऊँ उसको बताओ। आपका पेशेंट भी यहीं? मेरा पेशेंट, मेरी मिसेज याद है, आज कितने दिन से एकदम ऑक्सीजन कम हो जाती है, कुछ खाने को कुछ लेना, एकदम ऑक्सीजन डोन आ जाती है, डोन जैसे पालन 85 है या 10 का ही ना, उसी टाइम 70 आ जाती है,
उनको खांसी है कुछ है, कहाँ ले के जाए, हम बहुत परेशान है, इनसे बात करते हैं डॉक्टर साहब से, कहते अपने ले जाओ कहाँ ले के जाए, हम तो दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, हमको परेशान है बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन का लेवल बढ़िया चल रहा था तब तक हमारे पेशेंट को खाने में दिक्कत नहीं हो रही थी, जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल घटा, जो प्रॉब्लम इनके साथ है वही प्रॉब्लम हम सबके साथ क्रिटिकल कंडीशन में आ गई है कि दो घूंट पानी जब मुंह सूख जाता है उसको पीने के लिए जब उसका मास्क हटाते हैं तो उसका ऑक्सीजन लेवल जाके सीधा ही 35, 30, 28, 25, फिर उसके हाथ ऐसे हो जाते हैं और उससे मास्क नहीं लगता तो हमें लगाना पड़ता है तुरंत फटाक से कि भाई लगा, तू लगा कैसे करके तेरे को लगा, फिर धीरे 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 धीरे, यह आपने कंडीशन देखी होगी कई पेशेंट्स की, और उनका देख के जो हमारा फूल जाता है ना वो हम जानते हैं। हम अभी भी यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास इलाज नहीं है, किसी के पास नहीं है, ऑक्सीजन से हो रहा है और कहीं ना कहीं वो कंडीशन वो रिकवर हो रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाए कैसे भी करके। हम सब आज के दिन जो हालात हैं वो ये हकीकत है कि पेरेंट्स जो अटेंडेंट हैं मरीज़ के वो हर व्यवस्था करने को तैयार हैं, लेकिन वो व्यवस्था करे तो करे कहाँ से, वो रास्ता इनको सूझता नहीं। जिला प्रशासन के पास भी गए, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है तो मरीज़ की सांसें छूटने लगती हैं और उन सांसों को बचाने के लिए, प्राण वायु को मांगने के लिए अस्पताल प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है और ये जो अटेंडेंट है वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर वक्त बीतते समय के साथ प्राणवायु की डोर छूटती जा रही है। आप मुझे बताएंगे कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट हैं क्या किसी की डेथ ऑक्सीजन की कमी से अभी तक हुई है? अभी तक तो नहीं हुई, भगवान का शुक्र है कि अभी तक हम मैनेज करके बैठे हैं कि किसी भी पेशेंट को हमने ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरने दिया। बट ये स्थिति कब आ सकती है, हो सकता है अगले 10 मिनट में आ जाए, हो सकता है अगले 10 घंटे ना आए, हो सकता है 10 दिन ना आए, पर हम इस पोजीशन पे खड़े हैं कि ये स्थिति अगले 10 मिनट में भी आ सकती है, क्योंकि मरीज अपने पेशेंट को नहीं ले जा सकते, उनकी मजबूरी है, वो लेके कहाँ जाए। वो मेरे पास एक सवाल पूछते हैं, जी मेरे को बेड दिला दो, मैं कहा मैं कहाँ दिला दूँ। और मेरे स्पेशल लेटर भी लिख दिया गया जिला प्रशासन की तरफ से कि जितनी अवेलेबिलिटी है, जितनी अलॉट की गई उतने ही मरीज भर्ती करें, उतने ही करें, उन्होंने बोला डिस्चार्ज कर दो। मैं और कोई मरीज एडमिट नहीं कर रहा हूँ, कोई नया मरीज एडमिट नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको जैसे बताया मेरे पास 25 बेड खाली पड़े हैं, कोई नया मरीज एडमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो एग्जिस्टिंग मरीज हैं मैं उनके लिए ऑक्सीजन नहीं पूरी कर पा रहा, तो मैं नया तो कहाँ करूँगा। पर मेरी प्रशासन से ये है कि थोड़ा ध्यान दें, इन मरीजों को निकाल दें, उसके बाद वो चाहे हम एक मरीज भर्ती नहीं करेंगे, अस्पताल को बंद कर देंगे, अपनी फैसिलिटीज़ जो बेस्ट से बेस्ट हैं उसको भी बंद कर देंगे, मत इलाज करेंगे, पर जो हैं उनको बचाएं, हमारी सपोर्ट करें। मैं अपनी तरफ से जी जान लगा हुआ हूं कि मैं कभी बद्दी भागता हूं, कभी फरीदाबाद भागता हूं, कभी कहां भागता हूं कि किसी तरह ऑक्सीजन हो जाए। अभी ये गाड़ी बाहर, अगर आप देखें गाड़ी आ गई है लोड होने के लिए, जो खाली सिलेंडर लेके बद्दी लेके जाएगी और कल लेके वापस आएगी 100 सिलेंडर। देखिए डॉक्टर, भगवान का रूप कहा जाता है और आज ये भगवान भी संकट में है और संकट में हजारों जाने भी हैं, हॉस्पिटल्स में बेड खाली हैं लेकिन उन बेड पर पेशेंट लेटा नहीं सकते। पेशेंट्स को इसलिए नहीं लिटाया जा सकता क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन की ज़रूरत वाले हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। और हुक्मरान कहते हैं कि हरियाणा में हालात ठीक हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई हो रही है, लेकिन ये हालात जो हमने आपको दिखाए, जो रुदन, जो क्रंदन, जो पेशेंट के अटेंडेंस का दिखाया है वो हकीकत है। इस वक्त बहादुरगढ़ में जितने हॉस्पिटल्स हैं वो बेड की संख्या तो बढ़ा सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चलते जो पेशेंट एडमिट हैं उनको भी मजबूरन डिस्चार्ज किया जा रहा है और अटेंडेंट परेशान है कि जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि दिल्ली के भी काफ़ी मरीज बहादुरगढ़ के हॉस्पिटल्स में भरे हैं। हॉस्पिटल में चारों तरफ हाहाकार की स्थिति है। अगर बीतते समय के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई तो ऑक्सीजन की कमी के चलते जो अब तक नहीं हुआ वो बुरा दौर भी आ सकता है। हजारों मरीजों की जान इस वक्त खतरे में है, ज़रूरत तो सिर्फ ऑक्सीजन की है, इसलिए हुक्मरानों को महज बयानबाजी से काम नहीं चलाना चाहिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित कराना चाहिए ताकि जो लोग जीवन और मरण के बीच लटके हुए हैं ऑक्सीजन प्राणवायु देकर उनको बचाया जा सके। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़।